अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा व्लॉग्स फूड फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। ये देखिए, ये जो हमारा है थर्ड डे का व्लॉग, और हम नाश्ता कर चुके हैं और अभी जो है इवनिंग का टाइम है और हम लोग आए हुए हैं रिवर फ्रंट में, फ्लावर पार्क में। ठीक है, जो कि फ्लावर पार्क और जो अटल ब्रिज है, ये दोनों का जो है एंट्रेंस एक ही जगह से है। और राइट साइड में फ्लावर पार्क है, लेफ्ट साइड में अटल ब्रिज है। और इसका टिकट जो है अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज़ पर पर्सन है, 40 रुपीज़ ईच है। और ये आप ब्रिज देख सकते हैं, अटल ब्रिज, जो कि बहुत ही कलरफुल कॉन्सेप्ट से बना हुआ है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये क्यू लगी हुई है इधर, और काफ़ी रश थी। हम लोग जो गए थे वो ईयर एंड के टाइम गए थे, अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर मंथ के एंड में गए थे, न्यू ईयर का टाइम था। और ये देखिए, हमने जो है कुछ पोजेस लिए, जो कि फ़ोटोज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी आ रही थी। और इधर जो है हम लोग ब्रिज के एज पर खड़े हुए हैं, और आपको यहाँ पे अंडर वाटर भी दिख रहा होगा जहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है। और माशाल्लाह से लाइट शोज़ भी चल रहे थे। ठीक है, काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। और यहाँ पे जो है फ़ोटोज़ जो है माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आ रही थी, और सभी लोग फ़ोटोज़ क्लिक करने में बिज़ी थे। और ये देखिए, अभी जो है हम लोग अटल ब्रिज घूम कर आ चुके हैं, और अभी हम लोग फ्लावर पार्क की तरफ बढ़ चुके हैं। इधर भी जो है खाने पीने का जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं। और इस जैसे एज अ नेम मालूम पड़ता है कि फ़्लावर पार्क जो है, हर जगह आपको फ्लावर्स के डेकोरेशंस मिलेंगे। और ये एंट्रेंस है फ्लावर पार्क का। ठीक है, और ये देखिए, ये जो है हॉर्सेस बने हुए हैं, सारे फ्लावर्स के बने हुए हैं। और ये ट्रीज़ के ऊपर भी आपको कलरफुल फ्लावर्स दिखेंगे विद ब्यूटीफुल लाइटिंग्स, जो देख के एकदम दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे आपको रॉकेट्स भी देखो फ्लावर्स से बनी हुई है, और ग्रास सारी जो है चीज़ें, ग्रास और फ्लावर्स, नेचुरल फ्लावर्स और नेचुरल ग्रास सब तरफ आपको दिखेंगे, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और ख़ूबसूरत लाइटिंग के साथ और भी ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पे समझ लीजिए, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह है, जो कि अभी न्यू ओपन हुआ है। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा इन्होंने हर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी हमने इंजॉय किया यहाँ पर। जो है मेरी बहन की बेटियाँ पहली बोल रही थी कि खाला, अगर जाना रहेगा तो फ्लावर पार्क ज़रूर जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हुई हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए, ये मिक्की माउस वगैरह है, और यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे फेसेस लगे हुए थे, जो कि देखने में बहुत ही यूनिक लग रहा था। और ये सब चीज़ें हमें मुंबई में तो नहीं देखने को मिली, और अहमदाबाद आने के बाद हमने ये सब चीज़ें थोड़ी घूमी, जो कि काफ़ी मज़ा आया घूमने पर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ओलंपिक्स का लोगो भी है, जो कि फ्लावर्स के साथ बना हुआ है। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे जो एक यूनिक स्टैचू बना हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि वो भी ग्रास और फ्लावर्स को मिलाकर बना हुआ है, और देखने में काफ़ी ह्यूज साइज़ का बना हुआ था। और ये देखिए, नीचे आजू बाजू सारे फ्लावर्स और ग्रीनरी डेकोरेट की हुई थी, और बीच में सेंटर में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है स्टैचू बना हुआ था, अगेन विद द ग्रीनरी ग्रासेस एंड ऑल। और माशाल्लाह से जो है देखने में काफ़ी अच्छा और एकदम नेचुरल लुक आ रहा था। हम इस
चीज़ को काफ़ी ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि कितना टाइम लगा होगा इस चीज़ को बनाने के लिए और मेंटेनेंस में भी कितना वक्त जाता होगा डेली मेंटेन करने के लिए। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, तो कितना इसको मेंटेन करने के लिए टाइम वक्त और पैसे लगते होंगे। और ये देखिए, ये रेहान के हमने कुछ इंडिविजुअल फ़ोटोज़ लिए थे और ये आप देख सकते हैं गुजरात 2024 और आई लव गुजरात और माय सिटी माय प्राइड करके ऐसे कुछ थीम्स लिखे हुए थे जो कि काफ़ी अच्छा था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए कुछ जगह थी और यहाँ पे आपको एलिफेंट भी दिख जाएगा जो कि ग्रीन ग्रास से बना हुआ था सेंटर में, और आजू बाजू जो है कलरफुल लीव्स वगैरह थे। ये गेट जो था काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, तो यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की हुई थी और काफ़ी मज़ा आया। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया इधर आके। और यहाँ पे अगर आप लोग गुजरात आ रहे हैं अहमदाबाद, तो यू शुड विज़िट दिस प्लेस एंड काफ़ी मज़ा आएगा। इधर आने के बाद आप मॉर्निंग से भी विज़िट कर सकते हैं इवनिंग तक। हम लोग जो है इवनिंग में आए थे तो हमें इतना टाइम नहीं मिला, फिर भी हमने उतने टाइम में भी काफ़ी बहुत कुछ हमने घूम लिया और काफ़ी चीज़ें हमने देखी। और ये आप देख सकते हैं अब ये एग्ज़िट लेने वाले हैं हम लोग। और ये रेहान के पापा का कुछ वॉकिंग का वीडियो मैंने लिया था, तो मैंने लिया है। और फिर उसके बाद जो है हम लोग खाने के लिए नावड़ी करके एक रेस्टोरेंट है जो कि बोट शेप में बना हुआ है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इनका एम्बियंस था और खाना भी लाजवाब था। और आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग अहमदाबाद ज़रूर आइए और घूमिए, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग।